हालेलुया इस फतामन दिन के लिए हम खुदा का शुक्र बजालाते हैं खुदा के खादिम पास्टर असमत साहब आएंगे और खुदा के कलाम को शेयर करेंगे और खुदा के कलाम के, 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 के लिए और पादी साहब के लिए बहुत सारी क्लैप्स प्रेज लॉर्ड हालेलुया जोरदार तालियां और जोर से प्रेज हालेलुया Thank you, Jesus. Thank you, Father. Sadkhai, Hallelujah! 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 Bolo, yesum Misi Ki! Bolo, yesum Misi Ki! Praise Lord! Misi Yesu ke kader, Kadush, aur Jalali naam mein aap sab ki salam सबके लिए खुदा की स्तारिश करता हूँ और दिल से खुदा खुदा का शुक्र गुजार हूं कि आप खुदा के घर में खुदा की हजूरी में मौजूद हैं आज बेशक बहुत सर्दी है बिजली भी नहीं थी लेकिन फिर भी आप खुदा की हजूरी में मौजूद हैं और मैं ईमान रखता हूँ क्योंकि आपने हची कोशिश की है इसी तरह खुदांद आपको कसरत की बरकतों से मालामाल करे और यकीनन खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है बाइबल मुकदस हमारी जिंदगी में कुत और जोर को पैदा करती है बाइबल मुकदस हमारी जिंदगी में शादमानी और नजात पैदा करती है बाइबल मुकदस हमें तसल्ली, तशफ़ी इतमान देती है बाइबल मुकदस यू कहें हम सबों के लिए जिंदगी की रोटी है और इसमें हमेशा की जिंदगी की बातें और कसरत की जिंदगी पाई जाती है इसीलिए तो हम खुदा के कलाम से प्यार करते हैं हम खुदा के कलाम से मोहब्बत करते हैं हम खुदा के कलाम के साथ उसकी वफादारियों में रोज़ बरोज़ बढ़ते और सलामती पाते हैं बाइबल मुकदस एक ऐसी किताब है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती और दुनिया की सबसे ज़्यादा छिपने वाली किताब है और इसकी यही बातें हम सबों को तब्दील करती हैं वो इस पर बहुत से वार हुए आज भी बहुत सारे लोग संजीदा नहीं हैं वो समझते हैं कि बाइबल मुकदस बदल गई है लेकिन मैं ईमान रखता हूं बाइबल नहीं बदली इसने हमें बदल दिया है वरना इस कदर सर्दी में हम यहां मौजूद की किताब को खोलिएगा जबूर नंबर 103 और उसकी पहली आयत से पांचवी आयत तक खुदा का कलाम पढ़ा जाएगा खुदा उन को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे ऐमेरी जान खुदाउन को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है वो तेरी जान हलाकत से बचाता है वो तेरे सर पर शफकत रहमत का ताज रखता है वो तुझे उम्र भर हच्ची हच्ची चीजों से असुदा करता है की मानद जवान होता है खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाईस बरकत हो पाकलाम का यह हिस्सा जो तलावत हुआ है इसमें जबर नवीस किसके साथ मुखातब है अपनी जान के साथ और मैं आप सब से यह कहूंगा कि इस साल के शुरू में काश हर शख्स अपने अहवाल पर गौर करे देखने में आया है इंसानी फितरत है हम दूसरे के लिए बोलते हैं हम कलाम पढ़ते हैं दूसरों के लिए कलाम सुनाते हैं किसके लिए दूसरों के लिए और हमारी यही कोशिश होती है कि हम जब खुदा के कलाम को पढ़ें तो फिर देखें कि कौन सा बंदा इस आयत पर पूरा नहीं उतरा वो कमजोर है किस तरह से लेकिन जबूर नवीस इस हवाले में अपने आप के साथ मखातब है साल के शुरू में मैं चाहूंगा कि आप सब अपने आप पर गौर करें और खसूसी तौर पर आज इस बात पर ध्यान दें क्या मेरी जान खुदावंत के लिए है क्या मैंने कभी अपने आप को खुदावन के हाथों में दिया है क्या मेरी ये लालचा है कि मैं अपने खुदावन के हजूर में मकबूल हूँ हम ये चाहते हैं कि हमारी कोशिश है कि फ़लां बंदा खुदा की नज़र में मकबूल हो फ़लां कबूल हो और कोशिश करते हैं कई दफ़ा हम ऐसे शख्स जो नशे की आदत में है उनका हम पीछा करते हैं उनको कलाम सुनाते हैं उनको बदलने की कोशिश करते हैं कई दफ़ा हम उन शख्स उस शख्स के पास जाते हैं जो गालियां बकता है उसको तब्दील करने की कोशिश कर रहे होते हैं क्या हम तब्दील हुए हैं क्या हमने दिल से अपने खुदामंद को मुबारक कहा है अगर ऐसा नहीं तो इस साल के आगाज में जबूर नवीस को अपने सामने रखे नवीस का ये करदार जो है उसको अपने सामने रखे। ए मेरी जान को मुबारक है। और जब ये बात कहता है तो इससे वो तसल्ली नहीं पा रहा इसको ये काफी नहीं समझता जब ये कहता है ऐ मेरी जान खुदा उनको मुबारक कह तो वो इस पर ये समझता है कि शायद पूरा नहीं हुआ बल्कि कहता है जो कुछ मुझ में है मेरी सारी लियाकत मेरी सारी ताकत मेरा सारा जोर मेरा सारा हुनर जो कुछ मुझ में है वो सब मिलकर खुदा के नाम को मुबारक कहे जो कुछ मुझ में है हम कई तरह की अपनी जिंदगी में लियाकत रखते हैं बहुत सारे लोग हुनरमंद हैं कई तरह का हुनर उनके हाथ में है कई लोग बहुत जहीन है के वो हर बात को जल्दी से पिक करते और जल्दी से बोलते और इतने जहीन हैं कई एक काम वो ऐसे ही कर जाते हैं सब के सब अपनी सारी लियाकत के साथ अपनी सारी तालीम के साथ और अपनी सारी ताकत अपनी सारी कुवत के साथ काश नवीस की कहें की तरह कहें ऐ मेरी जान खुदाउन को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है वो खुदाउन के नाम को मुबारक कह इस आयत को आप मेरे पीछे दरा सकते हैं सपने इसको मेरे पीछे धराना है ऐ मेरी जान खुदाउन को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है वो सब गुदाम के नाम को मुबारक है।, है।, है और जब खुदा का बंदा जबीस इन बातों को कहता है तो अगले हिस्से में दूसरी आयत का पहला हिस्सा इसी तरह पहली आयत के पहले हिस्से की तरह है मेरी जान खुदा उनको मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर अब अगले हिस्से में मुबारक कहने की वजूहत मुबारक कहने का तरीका या इसको यूं कहें कि जब रसू जब ये खुदा का बंदा दाऊद ये कहता है जबरनवीस ये कहता है ए मेरी जान खुदा को मुबारक कह तो दरअसल वो अपने आप को खुदा के हाथ में देता है कहता है कि उसके नाम को मुबारक कह तो ये एक दिल से खुदावन की शुक्रगुजारी और उसकी स्त और उसकी हम है और इस हिस्से में वो ये बताना चाहता है कि किस तरह से उसके नाम को मुबारक कहा जा सकता है किस तरह से उसके नाम की शुक्र गुजारी की जा सकती है किस तरह से उसके नाम की तमजीद की जा सकती है किस तरह से उसके नाम को जा सकता है तो दूसरी आयत में कहते हैं मेरी जान खुदा उनको मुबारक कहे और जो कुछ मुझ में है वो खुदा के नाम को मुबारक कहे और दूसरी आयत का पहला हिस्सा अ मेरी जान खुदा को मुबारक कहे और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, उसकी वो नेमते, वो बरकत, जो तेरी जिंदगी में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है रोज तू उसकी नेमतों और उसकी बरक़त को अपनी जिंदगी में हासिल करता है या गुज़रे दिनों में जिस जिस तौर से उसने तुझ पर रहम किया जिस जिस तौर से उसका फजल तेरी ज़िंदगी में हुआ जिस जिस तौर से उसने तुझे संभाला और तुझे मुहाफजत दी और तुझे शिफा बख्शी निजात बख्शी उन तमाम बातों को याद कर और उसके नाम को मुबारक है और उसकी शुक्रगुजारी गुजारी कर। कितना आसान कर दिया है, एक बड़ी तरतीब एक अच्छा पैटर्न एक अच्छा तरीका हमारे सामने पेश करते हैं, उसकी हजूरी में उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए बज दफा हम शुक्रगुजारी में बैठते हैं और हमें शुक्रगुजारी की समझ ही नहीं आती एक दो बातें हम करते हैं शुक्रगुजारी की फिर शुक्रगुजारी हमारे लबों पर आती नहीं हम शुक्रगुजारी नहीं करते फिर हम क्या करना शुरू करते हैं हाँ जी मांगना शुरू कर देते हैं और मांगने में हम इस कदर तकड़े हैं फिर हमारी लिस्ट जो है वो ख़त्म ही नहीं होती और वो लिस्ट बढ़ती चली जाती है और जब हम आस पड़ोस के पास जाते हैं कलीसिया में विज़िट करते हैं किसी रिश्तेदार को फ़ोन करते हैं तो फिर वो लिस्ट और बढ़ जाती है वो भी कहते हैं साढ़े लिए भी दुआ करे हो हाँ जी और फिर वो भी अपनी डिमांड्स जो हैं वो दे देते हैं और हमारी दवाइयाँ लिस्ट जो है वो क्या होती है जी लम्बी हो जाती है और शुक्रगुजारी वाली छोटी होती चली जाती है जब हम फिलिपियों के खत में पलुस के खत को पढ़ते हैं चौथे बाब में चौथी आयत से तो उसमें ज़बरदस्त दस हमारे सामने आ चौथी पांचवी आयत उसमें यह ये लिखा है कि जब तुम दुआ करो तुम्हारी मन आजादातें तुम्हारी शुक जो हैं अल्तजाएँ दरखास्तें तुम्हारी दुआ शुक्र गुज़ारी के साथ खुदा के हजूर में पेश की जाए किस तरह से पेश की जाए शक्र गुज़ारी के साथ पेश की जाए तो अगला हिस्सा किसी के जेन में आ रहा है अगला हिस्सा जो है लिखा है तो खुदा का इतमान तो खुदा की तसली तुम्हारी जिंदगियों में जाहिर होगी जब दवा दरखास्त के दवा दरखास्त इल्तजाम इतजाम शुक्रगुजारी के साथ खुदा की हजूरी में पेश होगी तो तो के क्या मैं नहीं है तब जी कोई और शर्त है जी जी हाँ जी शर्त है शर्त है हाँ जी तो यानी इन बातों को करने के बाद कि जब दुआ करो और मनाजात खुदा के हजूर में रखो दरखास्त करो अल्तजा करो वो दरखास्त जो अल्तजा है जब शुक्र गुज़ारी के साथ खुदा की हजूरी में पेश की जाए तो, खुदा का इतमान इस शर्त के बाद जब शुक्र गुजारी दुआ में नजर आए मेरा आज मजमून नहीं है कि मैं दुआ पे बात करूं लेकिन पास्टरफान आ, पास्टर आ गए मैंने रात इनको कहा था कि आपने मैसेज सुनाना है फौजी आदमी है लेट हो गया <laughs> इनके लिए तालियां <laughs> के के फजल दे सलामती के साथ आप में ये वापस लौटे हैं खुदा उनकी शुक्र गुजारी करते हैं तो लिखा है उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर गुजरा साल मैं समझता हूं के बड़ा तलख था बड़ा खतरनाक था पूरी दुनिया को हला पिछले साल ने रख दिया है लेकिन फिर भी हम खुदा के फजल से इस नए साल में मौजूद हैं, तो फिर शुक्रगुजारी तो फिर उसकी इस बड़ी नेमत, उसकी बड़ी मुहाफजत के लिए हमें खुदा की स्त और तारीफ करना वाजिब है रवा है कि नहीं इसलिए जबरन कहते हैं कि अमेरीजान खुदाउन को मुबारक कहे और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर कम अज कम मेरे जैसा शख्स जो इसकी जद में आ गया जिसने मौत को करीब से देखा और फिर खुदा ने उसे उठाया और कहा जा मेरे लोगों में जा कर मेरी खिदमत कर तो फिर किस कदर अच्छी और भली बात है कि वो शख्स खुदा की शक्र गुज़ारी करे और वो शख्स जो इसकी जद में आया ही नहीं उसको खुदा ने महफूज रखा है उसको शुक्रगुजारी का आ, आ, नहीं करनी चाहिए मैं समझता तो हूँ मेरे जैसे आदमी से बढ़कर करनी चाहिए कि देखे खुदा की कुदरत के वाह मुझे छू नहीं सकी व मुझे टच करने नहीं पाई और मेरे खुदा ने मुझे सलामत रखा है महफूज रखा है ये नहायत शुक्रगुजारी की बात है मेरीजान खुदा उनक को मुबारे और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है वो तुझे तमाम बीमारियों से शफा बख्शता है यहाँ दो बातें हैं शुक्रगुजारी के लिए वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है वो तेरे तमाम तर गुनाहों को बख्शता है वो तेरे तमाम तर गुनाहों को माफ करता है वो तेरे तमाम तर गुनाहों को तेरी जिंदगी में कायम नहीं रखता तो फिर शुक्रगुजारी करने की जरूरत है कि नहीं कभी हमने इस बात के लिए शुक्रगुजारी की कि खुदा तेरा शुक्र है तूने मेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया तूने मेरी बदियों को दूर दिया है तूने मेरे गुस्से को दूर कर दिया मैं जो चोरी करने की मुझे आदत थी उससे तूने मुझे निजात दी है तूने मुझे गाली बकने की आदत थी उससे मुझे निजात दी है और तूने मुझे नशे की आदत थी नशे की आदत से रहाई बख्शी है तूने मुझे ऐबजोई करने की मेरी बड़ी आदत थी तूने मुझे ऐबजोई से बचा लिया कभी ऐसी दुआ की हाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब जो ही हमने छोड़ी नहीं चोरी छोटी मोटी कभी कभी कर ही लेते हैं गाली भी कदी कदी हाँ जो मूड होए गुस्सा आ गया है। बड़े जज्बात सन हाँ और फिर वो जो है ना हो ही जाता है और एक बंदा कहता पार साहब मैं इनू मारना नहीं साजे बस मैनू जज्बात ही मेरे गुस्सा ही इन्ना आया मैं एक रखी है बुढ़िया मारखान ली ने हाँ जी उन्होंने जज्बात पूरे होंगे हाँ जी और क्या ये सब कुछ है मुनासिब है क्या हमने ये छोड़ा है शायद इसीलिए शुक्रगुजारी की दुआ नहीं निकलती कि हमने अभी तक तो ये इन कामों से बाज आए नहीं है ऐबजोई हम करते हैं दूसरे की आंख का दिन का हमें बड़ी आसानी से नजर आ जाता है जबकि अपनी आँख का शतिर ये, हाँ और ये शायद शुक्रगुजारी इसलिए छोटी है हमारी हाँ जी और इससे मैं बड़ा लिखा है कि वो तेरी तमाम बदकारी को दूर करता है ख़त्म करता है तुझसे अलग करता है बदकारी को काश हम इन बातों पर गौर करें और फिर शुक्रगुजारी करें जो जो गुनाह हमने छोड़ा है क्या गाली बकनी छोड़ी है क्या हाल हाला भी हाथ उठद कि नहीं हाँ हाला भी जज्बात आते ने हाँ और या किसी वक्त ये होता है और जब मैं ए, उस खानदान में था और बातचीत हो रही थी है पाल साहब मैनू तो तुम कह नहीं दे हो भी कुछ कहो दिए इन्ना फिर मेरे होंगे कई दफ़ा ये होता है खबीन बोलती बहुत है वो भी अल्फाज बोल जाती हैं फिर तो जड़ा ना वो खमखा हाथ उठ जाता है हाँ क्यों मजबूर करते हैं क्यों ऐसा हाल है क्या हम इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं या इस साल में अहद बांधते हैं खुदावन मैं तेरे हुजूर में आया हूँ कभी कभी गाल काट लेना हा? अज तो गाल गईया तो मैं शुक्र गुजारी करांगा आज से मैं कभी कभी छोटी मोटी चोरी करता हूँ एडी बड़ी मैं नहीं कभी किसी के कार गया थे, को डाके मारन वाला नहीं आ वो जो छोटी सी चोरी हमारी जिंदगी में है उसको आज हम दूर करके शुक्रगुजारी कर सकते हैं वह वो शख्स जिसका हाथ उठ जाता है जज्बात ही बड़े हमदे ने हाँ क्या वो अपने जज्बात और गुस्से पर गालब आ सकता है और ये कह सकता है खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस साल में मैं ऐसा शख्स नहीं रहूँगा क्या वो शख्स जो नशे का आदि है और नशे को छोड़ना चाह रहा है और छोड़ रहा है और उसके लिए शुक्रगुज़ारी कर सकता है खुदावन देख मैं इस कदर नशेबाज शख्स था तूने मुझे रखाई दी है वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है तू उसके नाम की तमजीद कर और उसे कह कि मेरी 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 जान ए मेरी जान ए मेरी जान।, ए मेरी जान और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर वो हर तरह की बदकारी से तुझे बख्शता है और वो तुझे शिफा बख्शता है और वो तुझे शिफा बख्शता है शफा की बात जब हम करते हैं तो मैं समझता हूँ हर यहाँ बैठा हुआ शख्स उसकी ज़िंदगी में ये तजर्बा है हर एक छोटा बड़ा पास्टर या कोई लेमैन हर एक उसकी जिंदगी में ये तजर्बा है कि खुदा ने उसे किसी न किसी मौका पर शफा बख्शी है और मैं ये समझता हूँ कि बल्कि हर रोज़ ये बात ये खुदा की बरकत बख्श हमारी ज़िंदगी में जारी रहती है वो शिफा बख्शता है अगर हम इस साल में जिस जिस तौर से अगर हमें याद रहो कि हम फला मौके पर बीमार थे फिर उसने शफा बख्शी फला मौके पर हमें ये था फिर उसने हमें उठाया शफा बख्शी और हम शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें दुआ होएगी, हाँ? मांगने की लिस्ट तक शायद पहुंच ही ना पाए हा? तो फिर शुक्रगुजारी में इस साल में हमें बढ़ना है इस साल को मैं यूं कहूंगा कि यह साल हम सबों के लिए शुक्रगुजारी का साल है ये साल हम सबों के लिए रूहों को जीतने का साल है और इस साल में खास बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं हर एक जो मुझे सुन रहा है जो बाद में इस रिकॉर्डिंग को सुन रहा है उसके लिए यह कहूंगा कि अपने आप को खुदा के हवाला करें इससे पहले कि आप दूसरे की आंख तिन का तिनका निकालें आप अपनी आंख का शरीर निकाल लें अगर ऐसा नहीं तो कुछ भी नहीं वो हर तरह की बीमारी से शिफा बख्शने की कुदरत रखता है और वो हमें शिफा बख्शता और हमें संभालता हमारी रहनुमाई करता है वो तेरी जान हलाकत से बिछाता है वो तेरे सर पर शफकत रहमत का ताज रखता है वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि मैं जो है बीमार हो गया कोरोना ने मुझे आ दबाया और हलाकत हर शख्स देख रहा था कि शायद ये क्या हो रहा है हलाकत यकीनी थी लेकिन उसने उस हलाकत से मुझे बचा लिया है रहाई बख्शी है और वो नाफक मुझे निकालने की कुदरत रखता है वो आपको भी बचाने और चढ़ाने और आज़ाद करने की कुदरत रखता है और ये कई दफ़ा कई लोग जो बड़े ईमानदार लोग होते हैं ईमानदारों की जो आए हैं उनमें ये रिवाज है उनका ये बड़ा ज़बरदस्त है बल्कि सारी कलीसियाँ ऐसी हैं कि जब कोई बीमार होता है ना नहीं कोई गुनाह की सुनो हाँ हूँ फसिया आज हाँ की पता जी ये बंदा जड़ा रहा फंसया हुआ है लेकिन कई दफा खुदा उस हालत में उस शख्स के साथ बात कर रहा होता है मैं जब कोरोना की बीमारी में चला गया अट्ठारह दिन हॉस्पिटल मौत और ज़िंदगी की कश्म में था और जब वहाँ से निकला हूँ तो मैंने उसे कोरोना सेमनरी का नाम दिया है क्योंकि रोज़ खुदा मेरे साथ आकर बात करता था रोज़ मेरा खुदा आकर मुझे थपकी देता था रोज मेरा खुदा आकर मेरे साथ रफाकत करता था और रोज मेरा खुदा मुझे संभालता दलेरी बख्शता और मुझे पता था कि मैं मरूंगा नहीं क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ रफाकत करता है और रोज मैं कलाम की बातों को सीख रहा था कलाम की बातों को जान रहा था और कलाम की कुदरत ने मुझे संभाल लिया और आज मैं पहले से ज्यादा कलाम से लबरेज हूँ पहले से ज़्यादा कलाम की कुदरत को अपने अंदर महसूस करता हूँ पहले से ज़्यादा मैंने ये देखा है कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है और लोग नजात पा रहे हैं बरकत पा रहे हैं पाशबान जो हैं वो चाहते हैं कि जो है पास्टर रसमत के साथ बैठा जाए लेमेन एल्डर और एक शख्स जो है ना वो कह रहा था कि एक दिन पूरा मुझे देना है आप मेरे साथ सारा दिन रहें मैं चाहता हूँ कि इन तजरबात से जो जिन में से आप गुज़रे हैं उनको हासिल करके मैं बरकत पाऊँ तो ये किस कदर भली और अफजल बात है कि खुदा दुख में भी हमारे साथ होता हमारी तरबियत करता है हमें अपनी सलामती बख्शता है और अपने हाथ में लेता है वो तेरे सर शफकत और रहमत का ताज रखता है, और रहमत, उसका ताज तेरे सर पर वो ही रखने वाला है हमारा फोकस क्या ताज है उसकी रहमत है कई दफा चर्च में बैठे हुए हमारा फोकस ताज पर नहीं होता यहां हम क्यों आते हैं इसलिए कि खुदा के उस अलाही मंसूबे में जो अलाही बरकत हमारे लिए हैं उनको हम पूरे तौर से बटोरें। हैं हम यहाँ इसलिए आते हैं सर्दी में भी इतनी, इतनी ज़्यादा तादाद खुदा के हजूर में आकर बैठी हुई है तो इसका इसके पीछे खुदा की एक बड़ी मर्जी है और आपकी एक बड़ी लालचा है कि आप खुदा के हजूर में बैठे हैं और अगर आप चर्च में आकर फोकस न करें खुदा को फोकस ना करें अपने ताज पर फोकस ना करें अपनी अबी जिंदगी की तरफ तो आप बरकत पा कर जाएंगे हा? नहीं कुछ भी नहीं हासिल किया कई दफा हम फोकस नहीं करते कलाम का वक्त होता है हम कलाम सुन ही नहीं रहे होते हमारा ध्यान दूसरों की तरफ होता है लहके हो जाए कपड़े पा के आ गए इतना ज्यादा मेकअप करके चर्च आई हुई है इसको ऐसे आना चाहिए था फोकस क्या है हा जी फोकस क्या है इर्द गिर्द की चीजों पर बच्चे ने बदतमीज ने इन संभाल नहीं नहीं आते बच्चे एक दिन मेरे हवाले को सीधा कर दागा हाँ जी हम ये फोकस होता है चर्च में बैठे हुए जब खुदा का कलाम होता है फिर कहने साहब मजा ही नहीं आया बच्चा उन्हीज मेरे नाल बैठ गए हुए सन हाँ और तू खुदा के घर में आया है तू फोकस कर अपना ध्यान लगा खुदा के कलाम पर इतिए इन दिनों दो चार दिन पहले की बात है शायद हफ्ता वो क्या वो कार्टून लगा के बैठा हुआ था मैं कह रहा था यार खबरा ला दे क्या नहीं ठहर जा और मैं भी देखना शुरू हो गया जब मैं वो देख रहा था तो उसमें एक मोटू था और वो जो है शिक्षत की तरफ जा रहा था एक बड़ी मुश्किल में था किसी ने उसे आकर कहा कि तू ये कर सकता है तू कर ले तो तुझे समोसा मिलेगा अब वो काम जो वो कर नहीं पा रहा था उसने अपना ध्यान, अपना फोकस जो है वो समोसे पे लगा दिया कि मुझे समोसा मिलेगा और उसने वो काम भाग भाग कर जल्दी से कर लिया उसका फोकस था कि मुझे ये मिलेगा क्या हमारा फोकस ज नहीं है क्या हमारा फोकस अबदी जिंदगी नहीं है क्या हम फोकस नहीं कर सकते कि मैंने कलाम को सुनते सुनते शफा पानी है क्या हम ये फोकस नहीं कर सकते कि आज कलाम की कुदरत से मेरी जिंदगी बरका से लबरेज हो जाएगी क्या हम खुदा के कलाम को ध्यान के साथ सुन नहीं सकते इधर उधर जो कुछ हो रहा है उसको छोड़ नहीं सकते फोकस करें ताज पर वो ताज जो आपको मिलने वाला है उसको हासिल करना चाहते हैं तो खुदा का कलाम आपकी रहनुमाई और मदद कर सकता है उसको अगर अब जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं फ़रदोस में दाखिल होना चाहते हैं तो फोकस करें फ़रदोस को कि कलाम की कुदरत मुझे फ़रदोस तक पहुंचा देगी कलाम की कुदरत जो है मुझे हमेशा की जिंदगी का वारस बना देगी फिर अगर आपका फोकस होगा ध्यान होगा जैसा कलाम में लिखा है शफकत और रहमत के ताज की तरफ तो कोई आपकी बरकत आपसे छीन सकता है आपकी जिंदगी में कमी आ सकती है कमजोरी आ सकती है इर्द गिर्द जो कुछ भी हो उससे आपको फर्क आ सकता है नहीं। हम देख रहे होते हैं फोकस क्या है दूसरों का लेकिन जबरन के नज़दीक आज जो हम बात कर रहे हैं उसका फोकस क्या है ऐ मेरी जान वो किससे कलाम कर रहा है किससे अपने आप से क्या हमने कभी अपने आप से कलाम किया या हम जो है ग्रंथियों के खात्मे पलूसुल की उन बातों को जब याद करते हैं जब वो पाक शाह के बारे में तालीम देना चाहता है और वो चाहता है कि कोई शख्स जो है पाक शाह के मेज़ पर ऐसे ही ना चला जाए वो कहता है आदमी अपने आप को पहले क्या करे जान ले अजमा ले अपनी पड़ताल कर ले अपना एहसाब कर ले किसका हा? हम एहत करते हैं दूसरों का यहां आप अपनी गवर्नमेंट पर नगाह करें किसका एहतसाब हो रहा है हाँ जी दूसरों का पास्टर एहतसाब करे दूसरों का कलीसिया एहतसाब करे दूसरों का तो क्या बरकत मिलेगी क्या बरकत मिलेगी हाँ जी तो अगर वो अपना एहतसाब करना शुरू करे अपने अंदर की कमी को अपने अंदर के घाटे को अपने अंदर की उस कमजोरी को देखे और अपने पर निगाह करे कि मैं किस कदर कमजोर हूं तो वो मजबूत हो जाएगा वो खुदा के लायक हो जाएगा वो खुदा की नजर में नहाय पसंदीदा हो जाएगा क्योंकि उसने अपना एहत किया है और ज़बरनवीस कहते हैं ए मेरी जान खुदाम को मुबारक है इस साल के शुरू में मैं फिर से आपसे अर्ज करूंगा कि अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें हर एक अपने अहवाल पर गौर करें हम दूसरे के अहवाल पर गौर करना छोड़ें दूसरे के अहवाल के वो तब हम बेहतर और दुरुस्त कर सकते हैं जब हम आप आप दुरुस्त हैं गाला आप काटने वाला दूसरे का ना ना बुरी बात बच्चे के मुंह को कोई ऐसी कोई गल निकल जाए ना उनको कहे बुरी बात हा? तो आप एडी बड़ी गाल काट के फिर भी कोई पता नहीं कि बुरी बात हो इसे किसी बच्चे ने घर में होता है बच्चे हैं दूसरे की चीज उठा ली है बुरी बात ये चोरी है किसी की ए, की चोरी नहीं करनी चाहिए और खुद इस चीज से बास ना आए तो फिर क्या होगा उसका उसको समझा सकता है हा? नशा खुद करे और बेटे को कहे नहीं 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 बुरी बात हाँ तो कुछ फायदा होगा ऐ मेरी जान खुदा उनको मुबारक है अपने आप को अपने आप को पेश करने की जरूरत है अपने आप को संवारने की जरूरत है अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है जब हम अपने आप को बेहतर कर लेंगे तो यशुमसी की फिर से वही बात आपके सामने रखूंगा जब आंख का तिनका आंख का शरीर निकल जाएगा तो आप दूसरे की आंख का तिनका आसानी से निकाल सकेंगे और फिर आपको तरद नहीं होगी फिर आप ये नहीं कहेंगे बादशाह मैं बड़ा कलाम सुनाया जी इना तो असर ही नहीं होता फिर आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप जहां जाएंगे बाइश से बरकत होंगे आपका कलाम करेंगे लोग निजात पाएंगे आपका कलाम करेंगे लोग शिफा पाएंगे आपका कलाम करेंगे लोग जो है सरफराजी पाएंगे आपका कलाम करेंगे लोग जो है रोज बरोज खुदा की कुर्बत को हासिल करेंगे क्योंकि आपने अपना तिनका निकाल लिया है अपना शतीर निकाल लिया है अब तिनका निकालना आसान है वो तेरी तेरे सर पर रहम और शफकत का ताज रखता है वो तुझे उम्र भर हची हची चीजों से असुदा करता है है, हची हची चीजों से असुदा करता है जी शहजाद कोई हची सी चीज जो खुदा ने आपको दी है सेहत जैसी नेमत वो जबरदस्त जी आला जैसी नेमत, अच्छी जॉब जी कुछ और भी आप कोई भी कहना चाहे उसके लिए मौका है प्रेज़ लाड, जबरदस्त कि वो पढ़ नहीं सकते थे लेकिन अभी पढ़ सकते हैं और वो भी खुदा का कलाम जबरदस्त है जी जी घर जैसी नेमत, ये भी बर, नेमतों में है वालदेन अच्छे वालदेन उन्होंने साथ से ये भी लगाया <laughs> जबरदस्त जी वो जी खुदा के घर में, में आने की का फजल ये भी जबरदस्त है है वो तुझे अच्छी अच्छी चीजों से अशुद्धा करता है अब ये कहूंगा खाने को देता है अच्छी अच्छी चीजें कितने जबरदस्त फल कितनी जबरदस्त सब्जियाँ वो हमें खाने को देता है हा? इस सर्दी में ज़बरदस्त ड्राई फ्रूट हाँ हा? हा? हमें खाने को मिलता है बेशक कई दफ़ा हमारी पहुँच से बाहर है लेकिन वेखते लग नहीं हाँ हाँ जी वो आ, आ, हमें हमारे लिए है सही ना ठीक है और मैंने देखा है कि जिस तरह से भी है हमें वो वह करता है अस्रुदा करता है उससे हमें जो है तसली देता है हमारी ज़िंदगी में खुदा का जलाल होता है इन तमाम बातों के लिए हमें खुदा की शुक्र गुज़ारी करने की ज़रूरत है और फिर ये कहूँगा हासिल कलाम है मेरी जान खुदांद को मुबारक है अपने आप को खुदा के हाथों में देने की ज़रूरत है अपने आप को ये पेश करने की ज़रूरत है अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश करे ऐ मेरी जान खुदा उनको मुबारक कहे और जो कुछ मुझ में है अपनी सारी लियाकत को खुदा के लिए पेश करना है अपनी सारी सरफराजी को अपनी सारी तालीम को अपने हुनर को खुदा के लिए पेश करना है और वो सब खुदा उनके नाम को मुबारक कहे और आपका फोकस हमेशा खुदा का कलाम रहे जब आप खुदा के कलाम पर नगा रखेंगे तो यकीनन हम बरकत और कसरत की बरकत हासिल करेंगे आए हम अपने सर खुदा की हसूरी में झुकाएं और दुआ मांगना शुरू करें